अगर आपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगाया है और उसमें सारा के सारा डेटा बोलता है कि करप्ट हो चुका है, फॉर्मेट मानना पड़ेगा, आप पूरा होप हार जाते हैं, डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। पहले तो क्या करें कि जब भी आप अपने लैपटॉप में या पीसी में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ड्राइव का लेटर याद रखना है। किसी का ई होता है, किसी का डी होता है, जी होता है, एफ होता है, बस वो ध्यान में रखिए। सर्च में जाइए, वहाँ पर आपको सीएमडी ओपन करना है, राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करिए, वहाँ पर ये वाली कमांड लाइन तो पहले डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और अपने ड्राइव का लेटर वहाँ पर आपको बराबर डालना है। फिर एंटर मारना है, वो पूरा के पूरा उसको चेक करेगा, सारे एरर्स देखेगा और एकदम एंड में अगर आप देखोगे तो वो आपको बता देगा कि हमने एरर सॉल्व कर दिया है। फिर वापस अगर आप चेक करोगे तो आपको फॉर्मेट मानने की जरूरत नहीं, सारी की सारी फाइल्स आपके वापस आ जाएगी। अगर आपकी ऐसी हेल्प होती है, वैसे डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन थी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को।